हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम 11 को आप एज अ करियर जो है बना सकते हो या नहीं। तो इस वीडियो में आपको जो भी सजेशन देने वाला हूं वो बिल्कुल मैं मेरे जो 5 इयर्स की ड्रीम 11 की जो एक्सपीरियंस है उसी से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बहुत ही जेन्युइन सजेशन मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो ड्रीम 11 को अगर आप एज अ करियर बनाते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या आपको नुकसान होने वाला है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं मेरी, अगर आप डायरेक्ट मुझसे पूछो और मैं आपको कोई सजेशन दूँ तो जैसे आपको पता ही होगा मैं आपको ना ही कहूँगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके डिटेल्स में जाते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा और ऑप्शन मिलता है क्यों आपको ड्रीम 11 को एज अ करियर नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना भी चाहिए तो सक्सेस होने के चांसेस कितने परसेंट है। तो यही सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अदर्स यूट्यूबर की तरह मैं आपको सिर्फ पेड प्रमोशन करके नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कुछ सच्चाई जो है जो आपको जानना ज़रूरी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ड्रीम 11 को अगर आप एज अ करियर लेते हो तो ऐसा आपको बिजनेस, आपको ड्रीम 11 को समझ के आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप कोई भी अगर बिजनेस बनाते हो तो आपको पहले उस पर जो है क्या करना पड़ेगा, पैसा जो है यानी मनी आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस मनी अगर आपने वहाँ से जितना इन्वेस्ट किया और जितना आपको रिटर्न आया है तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया आपको लॉस हुआ है या आपको लॉस हुआ है या फिर आप प्रॉफिट में हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग ड्रीम 11 की बात करें तो अगर हम लोग ड्रीम 11 पे पैसा अगर हम लोग अगर याद करके अगर खेलते हैं कोई भी लीग, अगर आप हेड टू हेड खेलते हो, ठीक है, तो आपका विनिंग चांसेस होता है 50% और रिटर्न चांसेस होता है लगभग आपको आपके जो है इन्वेस्टमेंट का लगभग आपको 80% मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80 रुपीज़ मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आपको 80% मिलता है जितना आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको अपने इन्वेस्ट का 1.8% करके आपको जो है पैसा मिलता है, आपको डबल पैसा यहाँ से नहीं मिलता अगर आप हेड टू हेड खेलते हो। वहीं पे अगर आप 3 मेंबर लीग खेलते हो तो आपको जो है लगभग 2.7 या फिर 2.6 करके आपको ड्रीम 11 से पैसा मिलता है। जैसे कि मैं आपको मिनिमम बात करूं, अगर आप 77 की लीग अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको विनिंग में से 3 मेंबर्स पे जो है आपको लगभग 200 रुपया मिलता है। तो उसी हिसाब से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपके जो चार्जेस है थोड़ी बहुत लगभग 15% या फिर 10% चार्जेस जो है ड्रीम 11 वालों लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे जो है ड्रीम 11 को एज अ करियर देखते हो तो आपको जो है यहाँ पे अगर आप रेगुलर अगर आप विनिंग करते हो, रेगुलर अगर आप 10 मैच भी जीतते हो उसके बाद आप जो है लगभग जो है 10 मैच जीतते हो तो आप 10 में से आप सारे लीग नहीं जीत पाओगे। अगर आप रेगुलर 10 मैच भी ज्वाइन करते हो, 10 में से अगर आप 8 भी जीतते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं यहाँ पे 3 मेंबर की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 जीतने के बाद अगर आप 5 हार जाते हो तो आपने जो 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 10 जीता हुआ है और जो आप 5 हारे हो तो आपका जो एक्विजिशन जो है आपका जो टोटल जो है प्रॉफिट होगा वो आप लॉस में नहीं रहोगे और प्रॉफिट में भी नहीं रहोगे। तो आपने जो इतना दिन मैच खेला वो आपका टाइम जो है लॉस में जाएगा, आपने जो इतना अपना दिमाग में जो जितना टेंशन लिया है वो लॉस में जाएगा और आप जो है पूरे लॉस में रहोगे। तो इसलिए एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लक के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरटेनमेंट के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया हुआ है, हालांकि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप ड्रीम 11 को एज अ करियर अपने लिए जो है ले सकते हो। ड्रीम 11 को एज अ करियर सोचना भी जो है बहुत ही जो है एक बेकार आइडिया है आप लोगों को, आप कुछ और अलग सोचना पड़ेगा। क्योंकि ड्रीम 11 आप इंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हो या फिर अगर आप किसी मैच पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो किसी 2 या 3 प्लेयर को लेके तो आप
उसमें जो है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है रेगुलर मैच भी नहीं खेलना चाहिए। पहली बात, जो लोग रेगुलर ड्रीम इलेवन पे खेलते हैं वो गारंटी हारते हैं। या फिर ड्रीम इलेवन कहने का मतलब मेरा बस यही है कि कोई भी फैंटेसी साइट पे अगर आप खेलते हो रेगुलर तो आप ज़रूर हारोगे, क्योंकि आपको मैच वाइसली चूज़ करना पड़ता है, आपको प्लेयर वाइसली चूज़ करना पड़ता है, आपको पिच रिपोर्ट देखना पड़ता है। ये सब देखने के बाद भी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आप 60% जो है अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो, लेकिन 40% जो है वो आपके लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप लक के ऊपर डिपेंड करके पैसा अर्न अगर करोगे तो आपका करियर जो है हमेशा जो है नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ड्रीम इलेवन एज अ करियर बहुत ही बुरी, मैं कहूँगा, एक थिंकिंग है। तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा और अपने जो है प्राइम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना।